हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज का अपना टॉपिक है स्प्लिंट। टेम्परेरी सपोर्टिव डिवाइस दैट आर यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्रैक्चर्ड पार्ट। एक टेम्परेरी सपोर्टिव डिवाइस होती है जो फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसी दिखाई देती है, ये डाइग्राम देख लीजिए। एक फ्लेमिंगो स्पून स्प्लिंट का है जो फिंगर्स पे यूज़ लेते हैं, और दूसरा ऑर्थोटिक्स है जो पैर में फ्रैक्चर होने पर यूज़ लिया जाता है। पर्पस क्या है इसके? इमोबिलाइजेशन टू द फ्रैक्चर्ड पार्ट। फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज रखता है, मोमेंट को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर फ्रैक्चर्ड पार्ट। फ्रैक्चर्ड पार्ट में आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो उसे भी रोकता है, प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड फैट एम्बोलिजम्स को प्रिवेंट करता है। अगला पर्पस है पेन रिड्यूस करता है, क्योंकि ये स्किन इरिटेशंस को रोकेगा। जब मोमेंट नहीं होगा तो नर्व इरिटेशन नहीं होगी, स्किन इरिटेशन नहीं होगा और पेन रिड्यूस होएगा। यूज़ फॉर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। स्प्लिंट के बाद में ही हम ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ स्प्लिंट है, फर्स्ट है इमरजेंसी स्प्लिंट। बॉडी पार्ट यूज एज स्प्लिंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान बॉडी पार्ट्स को ही हम स्प्लिंट के रूप में यूज़ लेते हैं। एग्जाम्पल है व्हेन फीमर फ्रैक्चर्स बोथ लेग्स आर यूज एज स्प्लिंट फॉर ईच अदर। दोनों लेग आपस में फीमर फ्रैक्चर के बाद स्प्लिंट का काम करते हैं। डायग्राम में देखिए, अगर वेस्ट लेवल से हम फुट की बात करें तो दोनों पैर आपस में स्प्लिंट के रूप में काम लेते हैं। अगर एक पैर में फीमर फ्रैक्चर हुआ है तो दूसरा पैर उसको इमोबिलाइज रखेगा। अगला स्प्लिंट है स्ट्रेट स्प्लिंट। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाने वाला स्प्लिंट है, और आयताकार शेप का लकड़ी का बना हुआ रहता है जिसके ऊपर बैंडेज कवर रहती है। यहाँ तो मैंने इसे दिखा रखा है लकड़ी का बना हुआ, लेकिन इसके ऊपर बैंडेज कवर रहती है जिससे स्किन इरिटेशन नहीं होती। यूज़ फॉर आईवी थेरेपी इन चाइल्ड। बच्चों के अंदर जब आईवी थेरेपी चल रही होती है तो हम स्ट्रेट स्प्लिंट यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों का हाथ मोमेंट नहीं कर पाता और कैनुला प्रोटेक्ट रहता है। अगला है सर्वाइकल कॉलर या सर्वाइकल स्प्लिंट। यूज़ फॉर इमोबिलाइज्ड टू द नेक। गर्दन को इमोबिलाइज रखने के लिए, गर्दन के मोमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्वाइकल कॉलर यूज़ करते हैं। यूज़ इन सर्वाइकल इंजरी, नेक इंजरी और नेक स्पाजम में इसको यूज़ करते हैं। ये तो बहुत देखा होगा आपने डायग्राम, ये सर्वाइकल कॉलर भी। इंटरनल स्प्लिंट्स हम सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर यूज़ की जाती है। ये एक्सरे डायग्राम है, एक के वायर का है और एक प्लेटिंग का है। इंटरनल स्प्लिंट यूज़ और अप्लाई ड्यूरिंग फिक्सेशन एंड सर्जरी। सर्जरी के दौरान ही इसको यूज़ किया जाता है, या फिक्सेशन के दौरान जब बोन्स को फिक्स किया जाता है फ्रैक्चर के बाद में रिडक्शन किया जाता है, तभी हम इंटरनल स्प्लिंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है के वायर एंड प्लेटिंग। के वायर को हम रोड भी बोलते हैं, डायग्राम देख लीजिए, रोड जैसा ही दिख रहा है, और प्लेटिंग का डायग्राम सेकंड नंबर का है। अगला है प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट भी एक स्प्लिंट होता है, क्योंकि ये भी फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं करता है। परमानेंट स्प्लिंट, कोई भी स्प्लिंट परमानेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। प्लास्टर कास्ट के बारे में बता देता हूँ। प्लास्टर कास्ट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे ही बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को, यही प्लास्टर कास्ट होती है। कुछ पॉइंट है इसके बारे में। 12 से 16 स्पाइरल लेयर्स आर अप्लाई इन प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट में 12 से 16 स्पाइरल बैंडेज होती है, ठीक है, लेयर्स होती है, स्पाइरल लेयर जो 12 से 16 होती है। प्लास्टर कास्ट को सेटल होने में 3 से 9 मिनट लगते हैं, और प्लास्टर कास्ट को सूखने में 1 से 3 दिन 24 से 72 आवर लग जाते हैं। इसकी केयर कैसे करेंगे, या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं प्लास्टर कास्ट के बाद?
तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर मोमेंट टू द टोइज फिंगर्स आफ्टर अप्लाई द प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट को अप्लाई करने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना होता है टोइज और फिंगर्स का मोमेंट करवाने के लिए। दूसरा होता है असेस करना होता है हमें स्किन कलर को, वहाँ उसको बता देना है कि भाई अगर स्किन का कलर चेंज हो रहा है, वहाँ सूजन आ रही है, नमनेस है या फिर कोई भी दर्द है तो हमें बता दे। इसी का एक वो रहता है प्रायोरिटी आंसर कि हमें ये सब हो रहे हैं एडिमा, नमनेस, स्किन या पेन, तो हमें डॉक्टर को बताना होता है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और यही ब्लड जो कॉम्प्रोमाइज़ है ब्लड सर्कुलेशन का उसको भी बताते हैं। प्लास्टर कास्ट को अप्लाई करने के बाद में पेडल पल्स चेक की जाती है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी चेक किया जाता है प्लास्टर कास्ट को अप्लाई करने के बाद। प्लास्टर कास्ट को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं करना है, केवल एक बेड क्रेडल होता है जो हीमोस्टेट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम ड्राई करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं लेनी है प्लास्टर कास्ट को ड्राई करने के लिए। अगला स्प्लिंट है थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट कंपोज्ड ऑफ ए फुल रिंग अराउंड द थाई एंड टू मेटल रोड्स दैट एक्सटेंड डाउन आइदर साइड ऑफ द लिम एंड आर जॉइंट डिस्टल टू द फुट। एक मेटल का बना हुआ एक फुल रिंग होती है, वो तो थाई के चारों तरफ होती है, और दो रोड होती है मेटल की जो एक्सटेंड होती है पैर के दोनों साइड में, ठीक है, पैर के नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और फुट के पीछे जाके जॉइन हो जाती है। डायग्राम देख लीजिए, सेम है, ये जो रिंग है वो तो थाइस के चारों तरफ रहेगी और ये दोनों मेटल रोड्स हैं जो फुट के पीछे जाके मिलेगी, ठीक है, जो सोल पे हैं, सोल पे जाके मिलेगी। यूज़ एज ट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड बोन स्प्लिंट। हम इसको ट्रैक्शन, स्किन के ट्रैक्शन और बोन के स्प्लिंट में भी यूज़ लेते हैं थॉमस स्प्लिंट को। अगला है बोहलर एंड ब्राउन स्प्लिंट। मोस्ट कॉमनली आपको जो वर्ड्स में जो ऑर्थोपेडिक वर्ड है वहाँ पे आपको मिल जाएगा बोहलर एंड ब्राउन स्प्लिंट। ये लोअर लिम के फ्रैक्चर होने पर उस पार्ट को इमोबिलाइज रखता है। तीन पुली होती है, प्रॉक्सिमल पुली टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, पहली पुली जो होती है जो बॉडी के पास में होती है, ठीक है, वो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करती है। सेकंड पुली ट्रैक्शन इन लाइन विद द फीमर, फीमर को ट्रैक्शन की लाइन में रखेगी। वो थर्ड पुली है जो लेग को ट्रैक्शन की लाइन में रखेगी। मोर कन्वीनियंट देन थॉमस स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट से ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। यूज़ इन ट्रैक्शन ऑफ बोन एंड स्प्लिन, स्किन के ट्रैक्शन और बोन के स्प्लिंट में यूज़ आती है। मैंने एक क्वेश्चन डाला है वो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ एज इमरजेंसी स्प्लिंट व्हेन ए क्लाइंट हैव फ्रैक्चर इन अपर लिम। अपर लिम का फ्रैक्चर होने पर बॉडी का कौन सा पार्ट इमरजेंसी के रूप में इमरजेंसी स्प्लिंट के रूप में काम आता है। ऑप्शन ए है नेक, बी है बैक, सी हैंड और डी है ट्रंक। इसका आंसर है डी, ट्रंक जो है इमरजेंसी स्प्लिंट के रूप में काम आता है। ये डायग्राम भी देख लीजिए, इसको हम टी बैंडेज भी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।